हेलो बच्चों, कैसे हैं? दोबारा आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके लिए हाजिर है। तो आज चलते हैं फिर एक नए सफर में, कुछ नई चीजें जानते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या मिलता है इसमें। देखिए, समय जिसने दिया उसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। टाइम का ही है सारा फंडा और अंडरस्टैंडिंग का है। अगर आप समझ के करेंगे तो आप बेनिफिट में, अगर आप मेमोराइज करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो चलिए, तो कल हमने जो किया था, कल हमने चार्ज का डिस्कशन शुरू किया था। चार्ज, इसके बारे में हमने लिखा था, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज क्या है? चार्ज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। और हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक का मतलब है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में फर्दर हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं मूलभूत, मतलब जो बेस है। तो ये कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी थी चार्ज? क्वांटिटी स्केलर। इसकी यूनिट थी कूलाम और स्टेट कूलाम। ये स्टेट कूलाम। तो ये सब कुछ हम कल पढ़ चुके थे। तो नॉर्मली कोई भी मैटर क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है, ठीक है। ये वगैरह वगैरह हमने कर दिया था। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और पीछे लिंक को खोलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें जाकर आप ये देख सकते हैं ये सब कुछ। तो आज हमें पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग करने की मेथड। तो कल हमने डिस्कस किया था कि चार्ज करने की तीन मेथड्स होती हैं। क्या क्या है वो मेथड्स? नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन। नंबर सेकेंड, कंडक्शन। और नंबर थर्ड है इंडक्शन मेथड। क्या है? चार्ज करने के तीन मेथड्स हैं। किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप फ्रिक्शन से कर सकते हैं बाय रबिंग, या फिर आप कंडक्शन से कर सकते हैं, या फिर आप इंडक्शन प्रोसेस का यूज करके किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो आगे हमने क्या पढ़ना है, इनके बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी मेथड? फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शन कौन से पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। इसे आप कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इससे जो चार्ज पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन रबिंग प्रोसेस। व्हेन वी रब टू मटेरियल ओवर वन अनदर, जब हम दो चीजों को एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे, इन रबिंग प्रोसेस एवरीबडी नो दैट। सपोज वी हैव, फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास दो मैटर है, ये है ए और ये है मेरा बी। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाटएवर इन दिस यूनिवर्स जो कुछ होता है उसे मैटर कहते हैं। ये मैटर, मान लो ये मैटर के दो फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, दो मैटर है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का कलेक्शन होंगे जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। नाउ इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस प्लस इक्वल टू माइनस, सो दे आर न्यूट्रल, दी टू आर न्यूट्रल। इफ यू रब दीज टू टूगेदर, रबिंग प्रोसेस, इफ यू रब देम टूगेदर, देन व्हाट विल हैपन इन द रबिंग प्रोसेस? Energy will produce frictional energy, and due to that energy, वो energy rub जब हम इसे करेंगे in rubbing process, तो क्या पैदा होगी rub करने में? आप rub करके देखिए, rub करने में क्या पैदा होगी? Energy। और वो energy कौन लेंगे? ये matter लेंगे। जब matter energy लेंगे तो उन इन matters के अंदर कौन उस energy को लेगा? Atom लेंगे। Atom उस energy को absorb करेंगे। अब वो मटेरियल जिसके एटम वीक, जिसके एटम में इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड होंगे, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, मीन्स आयनाइजेशन की एनर्जी जिनकी कम होगी, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर जाते हैं। मान लीजिए एक ही कम है, लेट। अब किसकी कम है, किसकी जाती है, वो पीरियोडिक टेबल पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन पर। मैं आपको समझाऊंगा। अभी मान लेते हैं कि मान लीजिए एक ही आयनाइजेशन या बाइंडिंग एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एक ही कम है, तो रबिंग प्रोसेस में लेट इलेक्ट्रॉन्स ने अपने दो इलेक्ट्रॉन, ए ने अपने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसको? बी को। क्लियर? अब सिचुएशन क्या थी? इनिशियल कंडीशन में क्या था? इनिशियल कंडीशन में यह था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां पर दो इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कितने प्रोटॉन ज्यादा हो गए? दो प्रोटॉन ज्यादा है इसके बाद, दो प्लस ज्यादा है। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, इसका मतलब पहले इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल थे।
अब क्या हुआ है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसके बाद क्या एक्स्ट्रा है, दो माइनस एक्स्ट्रा है, तो हम कह सकते हैं कि ए का चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और बी का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। बी कैसे चार्ज हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ए कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज गेन कर दिया। दिस टाइप ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द मेथड ऑफ फ्रिक्शन बाय विच यू कैन चार्ज एनी बॉडी। ये मेथड है जिस फ्रिक्शन रबिंग प्रोसेस से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सो गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रबिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। रबिंग प्रोसेस, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रबिंग प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बोर्ड पूछता है व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसेस इन विच व्हेन वी रब टू मटेरियल टुगेदर, इन दैट केस लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज गेन बाय बॉडी बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसके ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तब बॉडियां चार्ज होंगी इन रबिंग प्रोसेस। बस क्वेश्चन होता है कि किसी, हमने पढ़ा है किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के चारों कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्वेश्चन यहां पर क्या है, क्वेश्चन यह है, बोर्ड ने मान लिया, बोर्ड आपसे पूछता है कि व्हाई इन रबिंग प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ओनली नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन भी तो चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज कैसा था, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का कैसा होता है, नेगेटिव होता है। व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस नॉट प्रोटॉन्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड पूछेगा व्हाई ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग प्रोसेस ड्यूरिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन भी तो ट्रांसफर हो सकते हैं, प्रोटॉन भी तो उसी में है एटम में, व्हाट इज द रीजन, आंसर क्या है इसका, क्या करना है। देखिए प्रोटॉन्स किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर, और हम जानते हैं न्यूक्लियर के अंदर कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन है, न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है और एक दूसरे से कैसे बाइंड है, बाय न्यूक्लियर फोर्स, कैसे बाइंड अप है, बाय न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड अप है। अगर वो न्यूक्लियर फोर्स से बाइंड अप है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, प्रोटॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हाई, इस कारण से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं, केवल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम होती है और वो आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हेन वी विल रब टू मटेरियल टुगेदर, जब हम दो मटेरियल को रब करते हैं तो सर ये कैसे पता चलेगा, ये किसने बताया, कौन बताएगा अभी कि कौन ट्रांसफर करेगा, कौन गेन करेगा, कौन लूज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर, कौन गेन करेगा, कौन लूज, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो ये नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको एक टेबल देता हूं। अब देखिए आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि कौन गेन करता है, कौन लूज करता है, तो इसके लिए आपको एक टेबल ध्यान में रखनी है, जिस टेबल में आपको सारे मटेरियल दिखेंगे आपको तो पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल गेन करता है रबिंग प्रोसेस में, कौन सा मटेरियल, दो मटेरियल को जब आप रब करेंगे तो उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसे चेक करने के लिए आपको एक टेबल याद रखनी होगी, टेबल की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट वर्ड लेना आपने, हर स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं उसका पहला वर्ड आपने लिखना है। देखिए फर्स्ट फीमेल गर्ल, गर्ल का फर्स्ट वर्ड जी, फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन, इन वी आर यूजिंग टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, पास इन केमिस्ट्री बाय सर, बाय ऑल्सो वी हैव यूज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, मैंने बाय का यूज किया ताकि मेरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाए। फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन केमिस्ट्री बाय सर, भाई सर ने तो फर्स्ट फीमेल जो गर्ल थी उसे पास कर दिया, किसमें, केमिस्ट्री में, फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन केमिस्ट्री बाय सर, तो अब क्या बात आई, हम भी केमिस्ट्री में अगर पास हो गई तो उसे फिजिक्स में भी पास होना होगा, फिजिक्स में टीचर कौन है, हम है डीसीपी दयाल चंद्र पाठक। तो देखिए तो क्या हुआ, अगर फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन केमिस्ट्री बाय सर, तो फिर क्या हुआ, लास्ट जो अंतिम, लास्ट जो थी व्हाइट,
फॉरनर का लेना तो उसकी मम्मी भी वाइट होगी। लास्ट वाइट वुमेन आई, आई कम का हिंदी आई पास होने, लास्ट लास्ट वाइट वुमेन आई टू पास इन, इसके नीचे चलेगा इन फिजिक्स बाय प्रोटेक्शन। लास्ट वुमेन वाइट वुमेन आई टू पास इन फिजिक्स बाय प्रोटेक्शन, तो लास्ट जो वाइट वुमेन थी वो पास होने आई किससे, प्रोटेक्शन से। तो ये टेबल आपने याद रखनी है, दोबारा देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन केमिस्ट्री बाय सर, देन लास्ट वाइट वुमेन आई टू पास इन फिजिक्स बाय पार्टिकल पी। सो पहले एफ का मतलब, अब इन ये सब एक किसी मटेरियल को दिखाते, देखिए पहले एफ का मतलब है फर, ये सब मटेरियल है एफ यू आर फर। दूसरे एफ का मतलब है फेनेलर, फेनेलर। तीसरे जी, जी का मतलब है ग्लास, क्या है ग्लास मटेरियल। पर्सपेक्स, पी का मतलब है पर्सपेक्स, एक मटेरियल है। इन वी हैव यूज टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। सी का मतलब है कॉटन, क्या मतलब है सी का कॉटन। बाय वी यूज, बाय का यूज किया स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया है बाय। एस मतलब सिल्क, एस का मतलब क्या है सिल्क। अगला आया एल, एल का मतलब लेदर, एल का मतलब होता है लेदर। फर्स्ट डब्ल्यू फॉर वुड, किसके लिए यूज किया जाता है वुड। सेकेंड डब्ल्यू यूज किया जाता है फॉर वैक्स, किसके लिए किया जाता है वैक्स के लिए। थर्ड यूज किया जाता है फॉर अंबर, किसका यूज किसके लिए यूज किया जाता है ये अंबर। टू स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया। अगला पी है फॉर पोलिथीन, किसके लिए पोलिथीन के लिए। अगला इन कंप्लीट करने के लिए यूज किया गया। पी का मतलब है प्लास्टिक, सेकेंड पी का मतलब क्या है प्लास्टिक, बाय स्टेटमेंट के लिए है। और लास्ट पी का मतलब है पीवीसी, ये सारे मटेरियल है। ये टेबल है, क्या है टेबल, कैसे याद रखनी है टेबल है। फर्स्ट फीमेल गर्ल पास इन केमिस्ट्री बाय सर, लास्ट वाइट वुमेन आई टू पास इन फिजिक्स बाय पार्टिकल। तो पहले एफ का मतलब है फर, दूसरे एफ का मतलब है फेनेलर, दूसरे जी का मतलब है ग्लास, पी का मतलब है पर्सपेक्स, ये सब मटेरियल है। सी का मतलब है कॉटन, एस का मतलब है सिल्क, लाइक दिस, क्लियर। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपने क्या ध्यान, इस टेबल में आपने क्या ध्यान रखना है, अगर इस टेबल में आप ऊपर से नीचे आते हैं तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम अगर आप आएंगे, टॉप टू बॉटम अगर आप आ रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अगर टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और अगर बॉटम से टॉप जा रहे हैं तो पॉजिटिव बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया सिल्क रब्ड विथ, सिल्क रब्ड विथ ग्लास। अब आपने बताना है कि कौन लूज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन और किसका पॉजिटिव चार्ज होगा और किसका नेगेटिव चार्ज, कौन कौन रब्ड किए गए, सिल्क और ग्लास। एक पीस सिल्क का लिया गया है और सिल्क के साथ किसे रब किया गया है, ग्लास को। किसको रब किया गया, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया गया। देखिए ग्लास की पोजिशन सिल्क यह है और ग्लास ये, तो पहली पोजिशन किसकी है ग्लास की, दूसरी किसकी है सिल्क की। तो जो पहला आएगा, जो नंबर में पहले आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऊपर को जाने पर पॉजिटिव बढ़ता है ना, तो ऊपर वाला पॉजिटिव होगा तो यहां पर ग्लास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ग्लास पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और सिल्क पर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो यू कैन इजीली फाइंड, आराम से आप बता सकते हैं कि किसका प्लस चार्ज होगा और किस पर माइनस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूं अंबर रब्ड विद वुल वुड, या अंबर रब्ड विद सिल्क, या फिर मैं बोलता हूं लेदर रब्ड विद सिल्क। मान लो लेदर रब्ड विद सिल्क, लेदर की पोजिशन सिल्क की फर्स्ट आ जाएगी, उस केस में लेदर की सेकंड आएगी, तो कौन पॉजिटिव होगा, सिल्क होगा। तो मतलब इस टेबल में जो ऊपर आएगा वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे आएगा वो नेगेटिव होगा। तो रबी प्रोसेस में आप ये बता सकते हैं कि किसका चार्ज प्लस होगा और किसका चार्ज माइनस होगा, क्लियर। सो फ्रिक्शन की जो
थ्योरी दी थी 600 BC में थेल्स एक साइंटिस्ट ने, जिन्होंने ये फ्रिक्शन अंबर को रफ किया एक मटेरियल के साथ, धूल के साथ अंबर को रफ किया था उन्होंने, तो उससे उन्होंने बताया कि रबिंग करने से क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है। उस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को क्या कहा गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहा गया। क्या कहा गया, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 600 BC में साइंटिस्ट थे थेल्स मिल्टस कहा जाता है, थेल्स पूरा नाम था मिल्टस, थेल्स मिल्टस। थेल्स मिल्टस ने क्या किया, उसने अंबर और धूल को रब किया, ये अंबर और धूल को रब किया। जब रब किया तो उसने पाया कि आफ्टर रबिंग दे गेन ए प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द डस्ट पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसी को नाम दिया गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो अब आप बता सकते हैं कि कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो यू नोट डाउन दिस, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस टेबल। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास क्वेश्चन है, नाउ सी व्हेन यू मेक द टेबल देन यू कम, क्वेश्चन है इफ प्लास्टिक rubbed with silk, if plastic rubbed with silk, which one will be positively charged, कौन सा इसमें से positive charge है? अगर plastic को rub किया जाता है silk के साथ तो कौन positive charge होगा, कौन negative? अब देखते periodic table, देखिए first female girl pass in chemistry by sir, last white woman I to pass in physics by partition। ये तो टेबल, अब इसमें सिल्क कहाँ है, ये एस है, इसका मतलब है सिल्क, और प्लास्टिक आता है दूसरे पी को, हम पहला पी पोलिथीन होता है, दूसरा पी होता है प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक है, तो इस किसकी पोजीशन ऊपर है, सिल्क की ऊपर है, सिल्क फर्स्ट आया, ऊपर से काउंटिंग करेंगे आप टॉप से बॉटम से, तो सिल्क फर्स्ट आया, प्लास्टिक सेकेंड आया, तो अगर प्लास्टिक को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, नीचे है नेगेटिव होगा, बिकॉज नीचे नेगेटिव होते हैं, और ऊपर क्या होगा, सिल्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो सिल्क पॉजिटिवली चार्ज होगा और प्लास्टिक कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब हुआ है अगर सिल्क पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसमें प्लस आएंगे, प्लस आएंगे मतलब ये लूज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन, जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा उतने ही ये गेन करेगा, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी अप्लीकेबल होगी। क्लियर, समझ आया कौन, तो इसका मतलब है टाइप ऑफ चार्जिंग। तो एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, तब उन्होंने कहा था कि चार्ज दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, या तो वो लूज कर सकता है या वो गेन कर सकता है। सो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव टाइप चार्जेस एंड नेगेटिव टाइप चार्जेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है, क्या मतलब, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना, किसकी कमी है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाना को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव किसे बोलते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करना नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता है, पॉजिटिव, इन रबिंग प्रोसेस, इन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एवरीबॉडी नो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻¹⁹, इसे आप स्मॉल इसे दिखाते हैं कूलम्ब, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन होता है +1.6 × 10⁻¹ कूलम्ब, क्लियर, इसे भी इसे ही आप दिखा सकते हैं, इसे माइनस इसे और इसे प्लस इसे, ये चार्ज है। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10³ kg, यस और नो। सो इन रबिंग प्रोसेस व्हेन वी रब टू मटीरियल्स टूगेदर, इन दैट प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी, ड्यू टू फ्रिक्शन एनर्जी, सपोज वी विल रब टू मटीरियल टूगेदर, दिस इज माई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, these are the two material, if you rub these two material together, in rubbing process due to friction energy will produce, friction ke karan kya paida hogi, energy, due to that energy electrons are transferred from one to another, will whose binding energy will less
that material will lose its electron and the another one will gain. So one will lose and one will gain the electron, and that process gaining and losing is called charge. So charges are two types, losing positive charge, gaining negative charge. So that means if board will ask what is the meaning of negative charge, negative charge meaning gaining of electrons, electrons gaining is called negative charge. Now charge of one electron is -1.6 × 10⁻¹⁹. So suppose this this silk transfer two electrons, so that means how many charge will be transferred? Because of one electron there is 1.6 × 10⁻¹⁹, we multiply it by 2. The mass of one electron is 9.1 × 10⁻³¹ kg. So is in the process of frictional electricity mass will change? Yes, mass will change during electric frictional electricity, because when electron will transfer, jab electron transfer ho jayenge ek se dusre mein, to electron apne saath kya le jayenge, mass bhi le jayenge. To iska matlab frictional electricity mein mass change hoga. For example dekhte hain, suppose we rough two material A and B, these are the two material which we are going to rough. Suppose two electrons are transferred from A to B, so what is the charge of A? +2, and the charge of B is -2, gaining and losing. How many electrons? Number of electrons lose equal to 2, number of electrons gain by B equal to 2. This is +2, this is -2. Clear? Mass of one electron is 9.1 × 10⁻³¹ kg. So how much mass will transfer? Total mass transfer, total mass transfer from A, two electrons are transferred, and mass of one electron 9.1 × 10⁻³¹ kg. So it will come 18.2 × 10⁻³¹ kg mass will be transferred from A to B. So whose mass will increase? Here electrons are increasing, so mass will also increase. Here electrons are decreasing, so mass will also decrease. तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका मास भी बड़ा होगा, और जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास भी कम हो जाएगा. तो बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, इज इन द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मास विल बी अफेक्टेड? यस, मास विल अफेक्ट, बिकॉज फ्रिक्शन ड्यूरिंग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन मटीरियल टू अनदर. वन विल बी नेगेटिवली चार्ज, वो विल गेन द इलेक्ट्रॉन, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, जितने जाएंगे उतने ही नेगेटिव होगा. सपोज तीन गए तो तीन नेगेटिव, चार गए तो चार नेगेटिव, पांच आए तो पांच नेगेटिव होंगे यहाँ, और जितने यहां आएंगे उतने ही यहां प्लस हो जाएंगे, क्योंकि उतने ही ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएंगे, प्रोटॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि इनिशियली इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहते हैं. So this process is called frictional electricity. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. अब यहां पर से आपके पास क्या क्या आता है, सो आपसे पूछा जाता है, अब क्या क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, बोर्ड पूछेगा आपको व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. आप उसमें लिखेंगे इट इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ टू बॉडीज बाय रबिंग नेचर. क्लियर? बाय रबिंग, इफ यू विल रब टू मटीरियल टूगेदर, देन ड्यू टू रब ड्यूरिंग रबिंग ड्यू टू फ्रिक्शनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर. अब कौन ट्रांसफर करेगा, कौन गेन करेगा, कौन लूज करेगा, फॉर दैट देयर इज ए टेबल, टेबल मैंने आपको बताई, तो उस टेबल से आप चेक कर सकते हैं कि कौन लूज करेगा और कौन गेन कर जाएगा. अब जो लूज करेगा उस पर प्लस आएगा, जो गेन करेगा उस पर क्या आ जाएगा, माइनस. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹ kg, mass of one electron. So in during transfer of electron, mass will also change. So that means those who will gain the electron, their mass will increase, and those who will lose the electron, their mass will decrease. Is it clear? Suppose for example, आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन है, प्लास्टिक रब्ड with silk, plastic rubbed with silk, and two electrons are transferred. Find sign of charges on silk
एंड प्लास्टिक फाइंड द साइन ऑफ चार्जिंग ऑन सिल्क एंड प्लास्टिक एंड अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर और कितना मास ट्रांसफर हुआ। देखिए प्लास्टिक रब्ड विद सिल्क, प्लास्टिक को रब सिल्क के साथ रब किया गया, पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में जो चार्जेस का साइन किसका प्लस होगा किसका माइनस होगा ये बताइए, साथ में ये बताइए कि कितना मास इस प्रोसेस में क्या होगा ट्रांसफर होगा। अगर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो देखिए प्लास्टिक को हमने रफ किया है किसके साथ, सिल्क के साथ, इसके साथ रफ किया है सिल्क के साथ रफ किया। तो जब रब करेंगे तो सिल्क कहाँ आता है, सिल्क पहली पोजीशन में आता है, आप टेबल देखिएगा अभी जो टेबल आपको पढ़ाई, सिल्क पहली पोजीशन में आता है और प्लास्टिक दूसरी पोजीशन। तो जो टॉप होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, 2। तो किसने किए होंगे जो पॉजिटिव हुआ होगा, पॉजिटिव कौन हुआ, सिल्क। तो सिल्क ने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, किसको, प्लास्टिक को, किसको कर दिए, प्लास्टिक को। इसका मतलब अब प्लास्टिक रॉड पर कैसा चार्ज आ गया भाई, 2 माइनस आ गए, क्या आ गए, 2 माइनस आ गए, और सिल्क पीस पर कितने आ गए, 2 प्लस, क्योंकि 2 ट्रांसफर हो गए, यस और नो। तो सिल्क पहले पार्ट का आंसर मिल गया, सिल्क विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लास्टिक रॉड विल बी नेगेटिवली चार्ज। अब दूसरा पार्ट होता है हाउ मच मास विल ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हाउ मच, 2, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हाउ मच, 9.1 × 10⁻³ केजी। टोटल मास ट्रांसफर कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा, 2 × 9.1 × −31 kg, तो कितना हुआ, 18.2 × 10⁻³ kg। अगर 3 हुए तो 3 से करते, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो 4 से करते, इतना मास ट्रांसफर होगा। अब किसका बढ़ेगा किसका घटेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन आए, प्लास्टिक के पास आए हैं ना, प्लास्टिक ने गेन किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका मास इंक्रीज होगा, किसका मास इंक्रीज होगा, प्लास्टिक का, और किसका इसने लूज किया है, किसका डिक्रीज होगा, सिल्क का डिक्रीज हो जाएगा। दिस आंसर, सो दिस इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज टेबल बाय विच यू कैन मेमोराइज इट, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ चार्जिंग ऑफ सब्सटेंसेस, दिस इज अ मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ सब्सटेंसेस बाय फ्रिक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर जाता है, दूसरा लूज कर जाता है। सो गो थ्रू इट एंड सी द बेसिक थिंग्स एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, बिकॉज व्हेन यू विल, वी ऑल आर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू ओनली, यू गाइज ओनली। इफ यू लाइक इट यू गो थ्रू दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, देन सब्सक्राइब एंड लाइक द like my channel. Okay, thank you, bye again, we will meet tomorrow.